जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। प्रियतम श्री कृष्ण से प्रेम कलह। एक बार बाबा का प्रियतम से प्रेम कलह भी हुआ। यह प्रेम कलह हुआ पूतना और कैकई को लेकर। पूतना और कैकई दोनों सगी माँ नहीं थी। एक ने मातृत्व का स्वांग रचा था और एक परिस्थिति से सौतेली माँ थी, पर दोनों हैं मातृस्थानिया। आंचल को और आंचल के दूध को, चाहे वह आंचल किसी का भी हो और चाहे वह दूध कैसा भी हो, उसको सदा सदा प्रणाम। उसको सदा सदा प्रणाम करने वाले बाबा ने प्रियतम श्री कृष्ण को उपालम्भ दिया। यह तुमने कौन सा उत्तम कार्य किया जो माँ बनकर आई थी उस पूतना के प्राण ले लिए। मान लिया कि वह कपट माँ थी और उसने माँ का स्वांग रचा था, पर इतना तो सत्य ही है कि उसने मातृभाव से भावित होकर तुम्हारे मुख में स्तन दिया था। फिर उस माँ का प्राण हरण कर लेना क्या श्रेष्ठ कार्य है? प्रियतम श्री कृष्ण ने पूछा, मुझे क्या करना उचित था? बाबा ने कहा, ज्यों ही पूतना ने शिशु को गोद में लिया, शिशु के स्पर्श से उसमें दिव्य भाव का संचार हो जाना चाहिए था। स्पर्श मात्र से वह उन्मादिनी बन जाती और उन्मादिनी पूतना को स्तनपान कराने की स्मृति ही नहीं रहती। वह आजीवन उन्मादिनी ही रहती और मधुपुरी में कंस के पास यही समाचार पहुंचता कि जो पूतना बाल हत्या के लिए गई थी वह तो उन्मादिनी हो गई है। यह तो तुम्हारे स्पर्श का प्रभाव होना ही चाहिए था। प्रियतम श्री कृष्ण ने कहा, प्राणेश्वरी, किसी कल्प में ऐसी लीला भी हो जाएगी। श्री कृष्ण पूज्य बाबा को प्राणेश्वरी कह के संबोधित करते थे। फिर बाबा ने कैकई के बारे में कहा, माँ कैकई ने तो तुमको अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्यार किया। कैकई का राम के प्रति वात्सल्य विश्व विख्यात है। कैकई के राम अनुराग को देखकर माँ कौशल्या भी विस्मित होती थी और कैकई के कारण राम की ओर से निश्चिंत थी। जो माँ कैकई ऐसी महावात्सल्यमयी थी, उस उत्सर्ग मूर्ति के मुख पर ऐसी कालिख लगा दी कि जन्म जन्म के लिए, युग युग के लिए वह कलंकित हो गई। वह किसी को मुख दिखलाने लायक नहीं रही। विश्व की आंखों से वह सदा के लिए ऐसी गिर गई कि कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा। जिसने तुमको अपने प्राणों का निर्मलतम प्यार दिया, जिसने तुमको अपने प्राणों का निर्मलतम प्यार दिया, उसी को मलिनता की मूर्ति और कालुष्य की कोठरी के रूप में अब कीर्तित करवा दिया। यह क्या अनुमोदनीय है? इस पर श्री कृष्ण बोले, सारा संसार यश के लिए मरता है, पर माँ कैकई की बात तो सर्वथा निरुपम है। माँ कैकई का वात्सल्य इतना महान है कि अपने वात्सल्यास्पद के मन की बात को रखने के लिए उसने अपने यश की भी बलि चढ़ा दी। संसार उसकी सराहना करता तभी वह महान होती क्या? संसार के साधारण प्राणी भले उसे न जान पाए और जानकर भी भले उसे न समझ पाए, पर वह तो स्वतः ही स्वयं की महिमा से सदा के लिए महिमान्वित है। अपने प्रिय का प्रिय कार्य करने के लिए अपने यश का ईमानदारी पूर्वक पूर्ण त्याग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है माँ कैकई। माँ कैकई के उत्सर्ग की यह गरिमा सर्वथा अनिर्वचनीय है, सर्वथा कल्पनातीत है। प्रियतम श्री कृष्ण की बात को सुनकर बाबा को चुप हो जाना पड़ा। बाबा ने मन से स्वीकार कर लिया कि प्रियतम श्री कृष्ण उचित कह रहे हैं। इसी काष्ठ मौन की अवधि में कीर लीला के दर्शन हुए बाबा को।
कीर लीला में अंतर के अनवरत आंसुओं की आह है। उधर प्रियतम श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए और इधर ब्रज में वृषभानुनंदिनी श्री राधा अत्यधिक विरह व्यथिता है। श्री प्रिया की विरह व्यथा द्वारका स्थित प्रियतम श्री कृष्ण के हृदय में प्रतिध्वनित हो उठती है और वे अपना प्रीति संदेश निजी कीर के द्वारा ब्रज भेजते हैं। कीर के अतिरिक्त वहां अन्य कोई भी ऐसा नहीं जो मर्म की बात वहां तक पहुंचा दे। कीर के लिए अपने जीवनेश्वर का वियोग एक क्षण के लिए भी संभव नहीं। क्या ब्रज, क्या मथुरा और क्या द्वारका, वह सदैव साथ साथ रहा है, पर अब अपने जीवन सर्वस्व की आज्ञा का अनादर भी तो संभव नहीं। अपने जीवन धन से वियुक्त तो होते ही वह अपने स्थूल शरीर का परित्याग कर देता है और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए सूक्ष्म शरीर से ब्रज आता है। वृषभानुनंदिनी श्री राधा अपने प्राण प्रियतम के नित्य सेवक सहचर कीर को पहचान लेती है और उसके सूक्ष्म शरीर के रहस्य को जानकर अत्यधिक व्यथित हो उठती है। राधा संदेश और चातक संदेश की भांति बाबा जब कीर संदेश लिखने की बात अपने मन में सोचने लगे तो प्राण प्रियतम श्री कृष्ण ने थोड़ा अंकुश लगा दिया, इसलिए कि उन गंभीर एवं अंतरंग भावों की निर्मलता को ये जागतिक लोग हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। इस संकेत के अनुसार कीर लीला के अनेक प्रसंग संक्षिप्त कर दिए गए। लोकोत्तर भावपूर्ण प्रसंग। सन 1958 के अप्रैल मास में पूज्य श्री भाई जी को पूज्य श्री सेठ जी के आग्रह पर रतनगढ़ से गोरखपुर आ जाना पड़ा। इन दिनों बाबा की अंतर्मुखता अपनी पराकाष्ठा पर थी। बाबा के एकांत में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो, भाई जी ने बाबा की कुटिया के चारों ओर ईंट की दीवार का एक घेरा बनवा दिया। यह घेरा भूमि से लगभग 7 फीट ऊंचा होना चाहिए। इस बाड़े के बन जाने से व्यवधान की संभावना अत्यधिक न्यून हो गई। बाबा की जैसी भावमय स्थिति चल रही थी उसको देखते हुए बाड़े का निर्माण आवश्यक था। केवल भगत जी और राम स्नेही जी बाड़े के भीतर जाते थे, पर वे जाते थे समय समय की सेवा को संपन्न करने के लिए। बाड़े के भीतर भाई जी, माँ जी तथा बाई के अतिरिक्त अन्य कोई जा ही नहीं सकता था। केवल वही जा सकता था जिसे भाई जी अपने साथ लेकर जाएं बाबा का दर्शन कराने के लिए। पूज्य बाई दोपहर के समय, बाई का अर्थ है पूज्य श्री भाई जी की सुपुत्री, बाई दोपहर के समय जल पिलाने जाया करती थी और सूर्यास्त के समय माँ भिक्षा कराने जाया करती थी। पूज्य श्री भाई जी भी बाबा के पास जाया करते थे, परंतु भाई जी बाबा की ही रुचि का आदर करते थे। भाई जी के द्वारा यह प्रयास कभी नहीं हुआ कि बाबा मुझसे बात करें। बाबा शौच जाने के लिए बाड़े से बाहर निकलते थे, पर उनकी दृष्टि भूमि पर लगी रहती थी। बाबा के बाड़े के पास ही श्री मोती जी महाराज की एक कुटिया थी। कुटिया के सामने एक टीन शेड था। इस छोटे से टीन शेड में अनेक लोग बैठे रहते थे इस प्रतीक्षा में कि कब बाबा शौचालय के लिए बाड़े से बाहर निकलें और कब उनका पावन दर्शन मिले। प्रतीक्षा में खड़े लोगों की ओर बाबा की दृष्टि जाती ही नहीं थी। बाबा कुटिया के बाड़े से बाहर निकलकर सीधे शौचालय चले जाते थे। उन्हें भला क्या पता कि कितने लोग खड़े हैं और वे कौन कौन हैं। उन अंतरंग लीलाओं का जो दर्शन कर रहा हो और उन लीलाओं में जो सम्मिलित हो, उसे अवकाश कहाँ है कि इस प्रपंचिक धरातल की ओर दृष्टि उठाने के लिए। निकुंज की अंतरंग लीलाओं में मात्र श्री प्रिया प्रियतम हैं और वहाँ हैं रसिक युगल की सतत सेवा में संलग्न
सखियां मंजरियां, कुंज निकुंज की दिव्य लीला और सखियों मंजरियों की दिव्य सन्निधि की सरसता में सदा निमग्न रहने के कारण बाबा को पुरुष मात्र का दर्शन बड़ा विचित्र लगा करता था। शौचालय जाते समय यदि अचानक कभी दृष्टि ऊपर उठ गई और यदि संयोग से कभी कोई मूछ दाढ़ी वाला पुरुष दिखलाई पड़ जाता था तो बाबा मन ही मन सोचा करते थे, मैं कहाँ हूँ, मुझे यह सब क्या दिखलाई दे रहा है, ये पुरुष कहाँ से आ गए, यह कौन सा देश है। हमारे प्रापंचिक जगत के पुरुषों की आकृति प्रकृति परिधान बाबा को बड़े विचित्र लगा करते थे। प्रियतम के सखाओं के दर्शन बाबा को यमुना तट पर गिरिराज परिसर में वन उपवन में होते थे, पर वे तो बड़े सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, उनकी मुखाकृति बड़ी सौम्य होती है। ऐसे सुंदर वस्त्र और सौम्य आकृति के स्थान पर अन्य का दर्शन हो तो बाबा को अटपटा लगना स्वाभाविक ही है। एक बार बाबा अपनी कुटिया के बाड़े के भीतर खुले स्थान पर विराज रहे थे। आकाश में बादल घिर आए और वर्षा आरंभ हो गई। कब नभ मेघाच्छन्न हुआ और कब वे मेघ बरसने लगे इसकी जानकारी भी बाबा को नहीं हुई। भावों की लहरों पर लहराने से उत्पन्न जो मस्ती थी उस तन्मयता में शरीर की सुधि भला कहाँ। श्री प्रिया प्रियतम के और सखियों मंजरियों के अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास में सर्वथा निमग्न मन तो बाह्य जगत को छोड़ चुका था। एक बार बाबा भाई जी के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। बाबा बर्थ पर लेटे थे अथवा बैठे हुए थे। बाबूजी के मन में आया कि बाबा को जल पिलाने के बारे में पूछना चाहिए। बाबा के पास जाकर भाई जी ने कहा, बाबा ए बाबा आप जल पी लें। काफ़ी देर बाद बाबा ने बहिर्मुख होकर बाबूजी से कुछ दृष्टि मिलाई। नेत्र आधे खुले थे, दृष्टि में शून्यता थी, मुख की रेखाएं अन्य मनस्कता व्यक्त कर रही थी। बाबा ने गर्दन को तनिक सा हिलाकर संकेत कर दिया कि जल की इच्छा नहीं है। बाबा का संसार ही दूसरा था। ट्रेन की एक और घटना कृष्ण जी ने बतलाई। बाबा और भाई जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। बाबा ऊपरी बर्थ पर सोए हुए थे। बाबा को लघु शंका का वेग हुआ। वेग इतना तीव्र था कि वस्त्रों के खराब होने की आशंका थी। बाबा ऊपरी बर्थ से उतरकर नीचे आना चाहते थे, परंतु गंभीर अंतर्मुखता के कारण उनको न सूझ पड़ रहा था और न समझ में आ रहा था कि नीचे कैसे उतरा जाए। ज्यों ज्यों क्षण व्यतीत हो रहे थे त्यों त्यों उलझन बढ़ती चली जा रही थी। एक ओर वेग की तीव्रता और दूसरी ओर समझ की अस्त व्यस्तता, इस उलझन में पड़े बाबा किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। कृष्ण जी भी उसी डिब्बे में थे। किसी अचिंत्य प्रेरणा से बाबा को संभालने की बात उनके मन में उभरी। वे नीचे बैठे थे और उठकर तुरंत खड़े हो गए। कृष्ण जी ने कहा, बाबा क्या बात है, आपको लघु शंका के लिए जाना है क्या। बाबा तो मौन थे, पर कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने अनुमान लगा लिया और उन्होंने बाबा से पुनः कहा, आप इस ओर से और इस प्रकार से उतर आइए। कृष्ण जी के खड़े हो जाने से सारी बात बन गई। एक बार बाबा और भाई जी स्वर्ग आश्रम गए हुए थे। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण गर्मी खूब पड़ रही थी। बाबा अपनी कुटिया में विराज रहे थे और निमग्न थे अपनी मस्ती में। जगत का कुछ भी भान नहीं था। भावधारा में बहते हुए कुछ गुनगुना रहे थे। बाबा ने प्रातः काल से जल नहीं पिया था, अतः जल पिलाने के लिए माँ गईं। माँ ने जाकर कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया और पुकारा भी, पर भीतर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला।
बाबा जागतिक धरातल पर होते तो उत्तर देते। उन्हें अपने शरीर की ही स्मृति जब नहीं थी तब माँ के आगमन का भान कैसे हो पाता। माँ ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, पर जब कुटिया का द्वार नहीं खुला तो माँ ने मन में यही सोचा, अभी बाबा अपनी मस्ती में हैं, व्यवधान डालना ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद आकर जल पिला दूंगी। माँ वापस आईं, वह चली तो आईं, पर मन में रह रह करके याद उभरती रहती थी कि बाबा ने जल नहीं पिया है। जब माँ को तीसरी और चौथी बार भी वापस लौट आना पड़ा तब उनको विशेष चिंता हुई और उन्होंने वस्तु स्थिति की सूचना पूज्य श्री भाई जी को दे दी। भाई जी तत्काल बाबा की कुटिया के पास आए। उन्होंने आते ही न द्वार खटखटाया न पुकारा, अपितु द्वार के फाटक के पास कान लगाकर खड़े हो गए। वे बहुत देर तक खड़े रहे और खड़े खड़े गुनगुनाहट की स्वर लहरी को सुनते रहे। इसके बाद भाई जी ने स्वयं ही कुटिया का फाटक खोला और कुटिया के भीतर गए। वे भीतर गए हृदय की सरसता और नेत्रों की सजलता को लिए लिए। उस स्वर लहरी को सुनकर भाई जी का मन भी भावधारा में बहने लगा था। भाई जी बाबा के पास आए और अपनी दोनों हथेली को आबद्ध करके और आबद्ध हथेली को बाबा की ग्रीवा पर झुला करके बड़ी प्यार भरी मीठी वाणी में कहने लगे, बाबा थोड़ा जल पी लीजिए। और फिर बाबा को बाबूजी ने जल पिलाया। बाबा के जल पी लेने से माँ को बड़ा संतोष हुआ स्थान जितना जन शून्य और वायुमंडल जितना रव शून्य रहेगा, पूज्य बाबा के लिए उतनी ही अधिक अनुकूलता रहेगी। अतः भाई जी ने कह रखा था कि कुटिया के पास न कोई जाए और न कोई हल्ला करे। इस प्रकार का स्थायी निर्देश होने के कारण कुटिया के चारों ओर का वातावरण बड़ा शांत रहा करता था। एक बार की बात है, ठाकुर श्री घनश्याम दास जी बाबा की कुटिया के पास वाली पगडंडी से होते हुए अपनी कुटिया पर जा रहे थे। उन दिनों घनश्याम दास ठाकुर जी जिस कुटिया में रहा करते थे वह बाबा की कुटिया के पीछे की ओर बनी हुई थी। वे पगडंडी से चलते चलते स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का एक पद अपनी मस्ती में गाने लगे। वह पद है, तू रिस छाड़ री राधे राधे, ज्यों ज्यों तो को गहरू त्यों त्यों मोको विधा, बिथारी साधे साधे, प्राणनी को पोषत है री तेरे, वचन सुनियत आधे आधे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, तेरी प्रीति बांधे बांधे। श्री घनश्याम दास ठाकुर जी मात्र गुनगुना नहीं रहे थे अपितु उच्च स्वर में गा रहे थे। पद गाते गाते अपनी कुटिया पर पहुँचे, पहुंचकर भी पद का गायन होता रहा। अब बैठकर अपनी मस्ती में गाने लगे। नीरव और एकांत वातावरण होने से वे भी उच्च स्वर में गाने लगे। ठाकुर जी अपने आप को भूल गए स्वर की अलापचारी में तथा गायन के अरावरोह में। ठाकुर जी को समय का ज्ञान नहीं रहा। वे इस पद को लगभग 1.5-2 घंटे तक गाते रहे। इसी बीच बाबूजी बाबा के पास आए। मध्याह्न का समय था। ऐसा लगता है कि आज किसी कारण से जल पिलाने के लिए बाई नहीं आई, अतः भाई जी आए। भाई जी ने बाड़े का कपाट धीरे से खोला। खोलते ही जो दृश्य देखा उससे भाई जी तो अवाक रह गए। बाबा की कुटिया के सामने बाड़े के भीतर लीची का एक पेड़ है। पेड़ की एक डाल को दोनों हाथों से पकड़े हुए बाबा कुछ लटकते हुए से खड़े हैं और खड़े खड़े अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। यों कह लीजिए कि वे डाल को पकड़े पकड़े झूल रहे हैं। बाड़े के भीतर आ करके और कपाट को बंद करके भाई जी चुपचाप खड़े हो गए। खड़े खड़े देर तक बाबा की मस्ती भरी स्थिति को देखते रहे। बाबा को पता ही नहीं चला कि भाई जी बाड़े के भीतर आ गए हैं और उनको देख रहे हैं। भाई जी को भी खड़े खड़े बहुत देर हो गई। फिर भाई जी ने बाबा को संबोधित करके पुकारा,
भाई जी के स्वर को सुनते ही बाबा ने मुड़कर देखा और धम्म से वहीं भूमि पर बैठ गए, स्वयं बैठ गए और वहीं पर भाई जी को भी बैठा लिया तथा कहने लगे, पता नहीं यह बात कैसे बन गई कि आज यह घनश्याम दास ठाकुर उसी भाव का पद गाने लग गया जिसमें मैं बह रहा था। मेरा मन गान की भावधारा में डूबा हुआ था। नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा किशोरी के मान के विमोचन के लिए नित्य निकुंजेश्वर श्री कृष्ण जैसा अनुनय और मनोहार करते हैं उसी भाव का पद यह ठाकुर गाने लगा। इस ठाकुर को भला क्या पता कि मेरी भाव दशा क्या है, पर इसने मेरी मन की स्थिति के अनुकूल पद गाया। आज इसके गायन से बड़ा सुख मिला। इस विवरण को सुनकर भाई जी को भी बड़ा सुख मिला। भाई जी ने बाबा को जल पिलाया ही। उन एकांत के क्षणों में मान की चर्चा भी बहुत देर तक चली। एक बार बाबा अपने बाड़े के भीतर इतने अधिक भावविष्ट हो उठे कि केवल एक शब्द तुमको बार बार बहुत देर तक गाते रहे, तुम 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 का अनवरत गायन करना और इसी के साथ बाड़े के उस नितांत एकांत में उन्मुक्त भाव से नृत्य करना, बाबा की यह मधुर लीला बहुत देर तक चलती रही। इस नितांत एकांत में न कोई वहाँ देखने वाला था और न बाबा के भीतर दिखावे की कोई स्फूर्णा थी। यह भावों का उच्छलन तो दृष्ट लीला का एक सहज परिणाम था। वह लीला थी श्री प्रिया प्रियतम के एकांत झूलन की। कदंब के वृक्ष पर झूला पड़ा हुआ है और श्री प्रिया प्रियतम झूल रहे हैं। झूलते झूलते श्री प्रिया जी को कदंब वृक्ष के पत्ते पत्ते में ऐसा दिखलाई देने लगा कि श्री प्रिया प्रियतम झूल रहे हैं। इस छवि को देखकर श्री प्रिया जी भ्रमित हो उठी। वे सोचने लगीं कि हम सत्य हैं अथवा पात पात में दिखलाई देने वाले श्री प्रिया प्रियतम सत्य हैं। श्री प्रिया जी इस भ्रम से अत्यधिक अभिभूत हो उठी। उसी समय श्री प्रिया प्रियतम के चरण युगल से शुक और सारिका का आविर्भाव होता है और वे गा गा करके बतलाने लगते हैं और सत्य की ओर संकेत करने लगते हैं कि तुम 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 तुम। शुक सारिका के गायन को सुनकर बाबा अपनी चौकी के बिस्तर पर से नीचे उतरकर स्वयं गाने लगे और नृत्य करने लगे। जिस समय बाबा हम लोगों के सामने इस लीला का वर्णन कर रहे थे, वे वर्णन करते करते तुम 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 का गायन करने लगे। कभी जल्दी जल्दी बोलकर, कभी धीरे धीरे उच्चारण कर और कभी मीठे मीठे गाकर बाबा ने उस निकुंज लीला की जो एक मधुर झलक दिखलाई, वह बड़ी ही मन भावनी लग रही थी। जिस प्रकार बाबा बाड़े के भीतर एक बार तुम तुम बहुत देर तक गाते रहे, इसी प्रकार एक बार निया कप्पा पिया कप्पा गाते रहे। निया कप्पा माने नीला कपड़ा और पिया कप्पा माने पीला कपड़ा। श्री प्रिया प्रियतम के नीलांबर और पीतांबर की मनोहर छवि से मन इतना अधिक अभिभूत हो उठा कि बाबा उन वस्त्रों का ही गीत गाने लगे। यह स्वाभाविक ही है, वे वस्त्र भी उस चिन्मय राज्य की वस्तु होने के कारण चिन्मय और दिव्य हैं। थोड़ी देर के लिए नहीं, यह गायन कई घंटे तक चलता रहा। बाबा अपने आसन पर कभी बैठ जाते, कभी लेट जाते, कभी खड़े हो जाते। बाबा की मस्ती की सीमा नहीं थी, वह झूम अपने ही ढंग की थी। कोई देखता तो यही कहता कि यह व्यक्ति पागल है। वास्तविकता यह है कि जगत के साधारण व्यक्ति के लिए समझना तो दूर रहा, वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि महाभाव का सागर जब लहराने लगता है तब उसकी उत्ताल तरंगों का स्वरूप क्या होता है और उन लहरों पर नृत्य करने वाले का जीवन क्या से क्या हो जाया करता है। जय श्री राधे।